हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 8th के लिए है और आपके चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज फ्रेंड्स एंड फॉय राहुल सर ने कंप्लीट करवा दिया था। बढ़ते हैं चैप्टर 3 की तरफ, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स की तरफ। और आपका टॉपिक है सबसे पहले सिंथेटिक फाइबर। तो क्या होते हैं सिंथेटिक फाइबर, हेडिंग डाल दें सिंथेटिक फाइबर हेडिंग डाल दें। और मैं आपको बता दूं सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं। ऐसे फाइबर जो मनुष्य के थ्रू या मैन के थ्रू या ह्यूमन बींग्स के थ्रू बनाए गए हैं, यानी कि दोज फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। लिख लीजिए, दोज फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। कौन कौन से हैं जो हमारे थ्रू बनाए गए हैं? नायलॉन 66, रेयन है, टेरिलिन है जिसे डेक्रॉन भी बोला जाता है, ब्यूनायन है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ठीक है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल को क्या बोलते हैं, ओरलॉन, इसे ओरलॉन बोला जाता है, ठीक है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। चलते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं सबसे पहले कि पॉलीमर क्या होता है, ठीक है, एक टॉपिक आता है पॉलीमर, ठीक है, कि पॉलीमर क्या होता है। पॉलीमर से पहले आता है आपके मोनोमर, क्या आता है, मोनोमर, और मोनोमर से पहले आती है यूनिट्स, ठीक है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। वो कैसे हैं कि छोटी छोटी यूनिट से मिलकर के बनता है मोनोमर और मोनोमर से मिलकर बनता है पॉलीमर। कैसे कि यूनिट्स क्या है, ये तो क्या है, स्मॉल स्मॉल यूनिट्स है, ठीक है, स्मॉल स्मॉल, ठीक है, टिनी यूनिट्स बोल सकते हैं इन्हें, ठीक है, ठीक है, स्मॉल स्मॉल टिनी यूनिट्स आर कंबाइंड टू ईच अदर देन मेक अ वन यूनिट। एक यूनिट का फॉर्मेशन करती है जब छोटी छोटी यूनिट्स मिल जाती है। और इसमें लिखिएगा स्मॉल स्मॉल यूनिट्स आर कंबाइंड टू ईच अदर देन मेक अ मोनोमर, ठीक है, छोटी छोटी, मैं आपको बता दूं कि स्मॉल स्मॉल यूनिट्स आर कंबाइंड टू ईच अदर देन मेक अ मोनोमर। कि मोनोमर कब बनता है, कि यूनिट से मिलकर, तो यूनिट क्या होती है, स्मॉल स्मॉल टिनी यूनिट्स होती है, उनसे मिल स्मॉल स्मॉल टिनी यूनिट से मिलकर की यूनिट बनती है। और यूनिट मोनोमर क्या होता है, जब स्मॉल स्मॉल वैन स्मॉल स्मॉल टिनी यूनिट्स, या बोल सकते हैं स्मॉल स्मॉल, या टू और मोर यूनिट्स आर, ठीक है, डायरेक्ट लिख दीजिए आप, टू और मोर यूनिट्स आर कंबाइंड टू ईच अदर, कंबाइंड टू ईच अदर, ठीक है, कंबाइंड टू ईच अदर देन मेक अ मोनोमर, ठीक है, कंबाइंड टू ईच अदर देन मेक अ मोनोमर, ठीक है। और वैसे आप लोगों को बता दूं, मोनोमर जो शब्द है इसमें एक वर्ड आता है मोनो, और मर का मतलब होता है इकाई, मर का मतलब होता है हिंदी में इकाई, यानी कि यूनिट्स, ओके, ठीक है, मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है। ऐसे ही पॉली में ये तो है मोनो और मर, ठीक है, बात करें पॉली में तो पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी कि बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे या अनेक, ठीक है। और मर का मतलब क्या होगा, वही यूनिट्स, यानी कि इकाई, ठीक है, यानी कि इकाई, यानी कि बहुत सारी इकाइयां जब आपस में मिल जाती हैं तो क्या बनाती है, पॉलीमर। और डायरेक्ट डेफिनेशन है टू और मोर मोनोमर आर कंबाइंड टू ईच अदर, आर कंबाइंड टू ईच अदर, ठीक है, तो क्या लिखा, टू और मोर मोनोमर मोनोमर्स आर कंबाइंड टू ईच अदर देन मेक ए पॉलीमर, ठीक है, व्हेन टू और मोर मोनोमर्स आर कंबाइंड टू ईच अदर देन मेक अ पॉलीमर। चलें आगे की तरफ बात करें, सबसे पहले आ जाओ टाइप्स, ठीक है, अगली हेडिंग क्या है आप लोगों के, अगली हेडिंग है इस चैप्टर की, ठीक है, ये तो हो गया आपके मोनोमर पॉलीमर, ठीक है, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। अब आपको टाइप्स बताएंगे सिंथेटिक फाइबर की, ठीक है, क्या क्या टाइप्स होते हैं। टाइप्स में आ जाइए, सबसे पहले बात करें रेयन की, ठीक है, रेयन, ठीक है, रेयन क्या होता है मैं आपको बता दूं, रेयन जो होता है, जो वुड पल्प होता है, एक तरीके की रेयन जो होता है, एक नेचुरल सोर्स है जो कि वुड पल्प से प्राप्त किया जाता है, यानी कि वुड पल्प, PULP, ठीक है। रेयन क्या होता है, रेयन एक नेचुरल सोर्स है, क्या है ये, एक नेचुरल सोर्स,
नेचुरल सोर्स है ये, जो वुड बल्ब से प्राप्त करेंगे हम, ठीक है। और इसे छोटे छोटे कॉटन पीस से निकाला जाता है। किससे निकालेंगे इसे? कॉटन रुई, कॉटन पीस से निकाला जाता है, ठीक है। और इन्हें केमिकली तौर पर आपस में मिला लिया जाता है और इसमें फिर कलर किया जाता है। तो रेयॉन जो क्या है, वुड पल्प है जिसे एक्रेलिक सॉल्यूशन में डिजोल्व किया जाता है, ठीक है। रेयॉन क्या होता है? एक वुड पल्प है, ठीक है। क्या है? वुड पल्प है जिसे एल्केलिल, ठीक है, AlKa, ठीक है, LiNi, एल्केलाइन सॉल्यूशन में क्या करेंगे? डिजोल्व कर देंगे, ठीक है। डिजोल्व करने के बाद इसे छोटे छोटे टिनी हॉल्स से पास किया जाता है, छोटे छोटे हॉल से, यानी कि बारीक छेदों से पास किया जाता है, तो आपको लंबे लंबे रेयॉन के रेशे मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? लंबे लंबे रेयॉन के रेशे मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाइए रेयॉन, रेयॉन के बाद आ जाइए आप चलते हैं, और रेयॉन का यूज कहाँ करते हैं आप बताइए। रेयॉन का यूज करते हैं, ये कंफर्टेबल होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है, और इसका शाइन ऑफ सिल्क की शाइनिंग में करते हैं, ठीक है, और सिल्क जैसा दिखता है, ठीक है। ये कैसा दिखता है? एक तो सिल्क जैसा दिखता है ये, ठीक है, और चीपर है, सस्ता है ये, ठीक है, ऐसा नहीं है महंगा तो सस्ता होता है, ठीक है, और फैशन में, लुक में ये अच्छा लगता है, इसलिए फैशन डिजाइनिंग में इसे काम में लिया जाता है। तो रेयॉन क्या होता है? एक वुड पल्प होता है जिसे छोटे छोटे छेदों से पास किया जाता है। बात करते हैं नायलॉन की, ठीक है। अगला जाइए नायलॉन, ये एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, ये भी क्या है? एक जो नायलॉन है ये क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर है। क्या है ये? सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर है। और ये नायलॉन, इसका पूरा नाम जो है वो है नायलॉन 66। ये कैसे बनता है? सिक्स इसमें लिखा हुआ 66, यानी कि 6 और 6। अब 6 और 6 कैसे? ये एडिपिक एसिड, ADEPIC, एडिपिक एसिड प्लस हेक्सा मैथिलीन, MeThylene, हेक्सा मैथिलीन डाई एमीन को, ये दो मोनोमर है। क्या है? एडिपिक एसिड और हेक्सा मैथिलीन डाई एमीन, इन दोनों मोनोमर को आपस में मिलाने पर ये बनता है, ठीक है। कौन कौन से? एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड क्या होता है? COOH CH2 का होल 4 COOH, ये तो है एडिपिक एसिड, प्लस हेक्सामेथिलीन डाइएमीन NH2CONH2, हेक्सामेथिलीन, ठीक है, NH2CH2 का होल 6 NH2, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, इन दोनों को आपस में आप मिला दीजिए। तो एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड का फॉर्मूला क्या रहा? COOH CH2 का होल 4 COOH, और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, इन दोनों को मिला दीजिए। मिलाएंगे तो क्या होगा? अब NH2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, N ऊपर भी H और नीचे भी H, ठीक है, ठीक है। तो COOH का OH और NH का H क्या बन गया? OH और H मिलकर के क्या बन जाएगा? देखिए OH प्लस H मिलकर के क्या बन गया? H2O, वाटर बन गया। तो OH निकाल दिया एडिपिक एसिड में और हाइड्रोजन निकाल दिया हेक्सामेथिलीन डाइएमीन में, ठीक है। और ऊपर लिख दिया पॉलीमराइजेशन, एरो के साइन पर लिख दिया मैंने पॉलीमराइजेशन, ठीक है। पॉलीमराइजेशन करूंगा तो मैं कॉमन में एक बन जाएगा, ठीक है, इसके भी N पॉलीमर, इसके भी N पॉलीमर, तो देखिए क्या बन जाएगा? COOH CH2 का होल 4 CONH, ठीक है, CH2 का होल 6 NH2, सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये बड़ा ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट और बाहर है, और नीचे लिखिए नायलॉन 66। तो क्या लिखा? COOH CH2 का होल 4, ठीक है, CONH CH2 का होल 6 NH, क्योंकि H इसमें से निकल गया तो क्या रह गया? NH2 में से H गया, एमीन में से, और COOH में से OH गया तो CO रह गया, तो ये रह जाएगा, ठीक है। नायलॉन 66 प्लस इधर लिख दीजिए NH2, ठीक है, वाटर निकल गया, ये हो गया नायलॉन 66। अब इसका जो नायलॉन जो होता है, नायलॉन का क्या कैरेक्टरिस्टिक, इसका यूज क्या होता है? एक तो नायलॉन क्या होता है? इजी गारमेंट्स, मतलब गारमेंट्स के तौर पर काम में आता है। इसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है? हाई होता है। नायलॉन का रेजिस्टेंस कैसा होता है? हाई रेजिस्टेंस है, स्ट्रांग होता है ये, और इलास्टिक होता है, खिंच जाता है, ठीक है, मेटल इंस्टीड ऑफ बर्निंग, ठीक है, मतलब आसानी से, ठीक है, क्या होता है? लाइट होता है ये, ठीक है, इलास्टिसिटी होती है, खिंच जाता है। यूज कहाँ कहाँ करते हैं नायलॉन का? तो नायलॉन का यूज करते हैं हम कारपेट्स में करते हैं, ठीक है, गारमेंट्स में करते हैं, कपड़ों में लेते हैं, कारपेट्स में करते हैं, ठीक है,
मशीन के पार्ट्स भी बनाने में इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, जल्दी से ये सूख जाता है, इसलिए स्विम बियर बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, तैरने के लिए जो कपड़े आते हैं उनके लिए बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, स्विम बियर में। ठीक है, और भी कई सारे यूज है, आगे चलते हैं, बात करते हैं, इनको रफ कर देते हैं हम। अगला हेडिंग डालें डेक्रोन, DACRON। ठीक है, डेक्रोन, और डेक्रोन DACRON, डेक्रोन का दूसरा नाम भी है पॉलिस्टर। क्या है? POLYSTER, पॉलिस्टर भी इसे बोला जाता है। तो डेक्रोन, डेक्रोन का दूसरा नाम पॉलिस्टर है। डेक्रोन जो होता है ये टेरिलिन, मतलब इसे दूसरा नाम, इसका नाम टेरिलिन भी है। क्या है? टेरिलिन, यानी कि ये टेरेथेलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल के कॉम्बिनेशन से बनता है। क्या बनता है? टेरेथेलिक एसिड, दो मोनोमर है, टेरे TERE, टेरेथेलिक TERPHA, टेरेथेलिक, टेरेथेलिक एसिड प्लस एथिलीन ग्लाइकोल। क्या बनता है? एथिलीन ATH, टेरेथेलिक एसिड प्लस एथिलीन, एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो ये किससे बनता है? टेरेप्थेलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, टेरिलिन जो बनता है टेरेप्थेलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल के कॉम्बिनेशन से बनता है। और टेरेप्थेलिक एसिड हो जाएगा COOH बेंजीन। ठीक है, C6H5 कर सकते हैं, C6H5 बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, या फिर डायरेक्ट आप लगा दीजिए बेंजीन का, इस तरीके से भी बेंजीन होता है। ठीक है, COOH बेंजीन, COOH, टेरेप्थेलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल, OH, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, OH, एथिलीन, ठीक है, ग्लाइकोल। और एरो के साइन पर आप लिख सकते हो पॉलीमराइजेशन। क्या लिख सकते हो? पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमराइजेशन आपने लिख तो दिया, ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन से क्या होगा? पॉलीमराइजेशन करेंगे तो एच वाटर निकालेंगे। अब OH में मैं O और सिंगल बॉन्ड H इस तरीके से लिख रहा हूँ, N मोनोमर इसके लिए और N ही मोनोमर इसके लिए है। ठीक है, COOH का OH और OH का H, COOH का OH और OH का H निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, COOH सिंगल बॉन्ड, ठीक है, COOCH2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और एक यहां पर छोड़ दीजिए, N बाहर लिख दीजिए। ठीक है, क्या लिख दोगे आप? N बाहर की तरफ लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा? टेरिलिन। ठीक है, टेरिलिन, ठीक है, टेरिलिन, और दूसरा नाम है इसका डेक्रोन। ठीक है, क्या है? डेक्रोन। और प्लस इधर करना चाहे तो NH2 आप लिख सकते हैं। ठीक है, चले आगे। अब इसका जो यूज होता है टेरिलिन का, इसे क्या कॉटन के साथ मिला करके क्या बनाए जाते हैं? फैब्रिक। ठीक है, यूज में क्या लिखेंगे? इसे कॉटन के साथ मिला करके क्या बनाए जाते हैं? फैब्रिक। ठीक है, फैब्रिक बना सकते हैं। और भी कई सारे यूज हैं पॉलिस्टर के। ठीक है, वूल के साथ मिला करके इसे टेरी वूल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? टेरी वूल। ठीक है, चले आगे, यहां तक तो होता है। आगे बात करें एक्रेलिक की, अगला आता है हमारे एक्रेलिक। ठीक है, अगली हेडिंग डालें आप एक्रीलिक, ACRYLIC। एक्रीलिक क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि शॉल, स्वेटर, ब्लैंकेट्स होते हैं जो आप गर्मियों में नहीं पहन सकते, इन्हें सर्दियों में पहना जाता है, नेचुरल वूल होती है। तो एक्रीलिक भी क्या होता है? एक सेपरेट टाइप का सिंथेटिक फाइबर है। क्या है ये? एक सेपरेटेड सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है, क्या है ये? सेपरेटेड सिंथेटिक फाइबर है एक्रेलिक। ठीक है, जिसका क्या करते हैं जो कि क्या होता है? लाइट वेट होता है, सॉफ्ट होता है, जो कि सॉफ्ट होता है, ठीक है, और लाइट वेट होता है। कैसा होता है? वजन में हल्का होता है, WEIGHT, लाइट वेट होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, गर्मियों में ये वार्म रहता है, ठीक है, वो सर्दियों में वार्म रहता है। ठीक है, और ये हर एक कलर में अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, चले आगे, हर एक कलर में अवेलेबल हो जाता है। एक्रेलिक के बाद आ जाओ आप, आपको मैं अब सिंथेटिक फाइबर के जो एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आप लोगों को इनकी बता देता हूं। सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, चलिए जी, इसको एक सेकेंड, चलिए जी, हेडिंग डाल दीजिए आप लोग। क्या हेडिंग डालो? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। हेडिंग डाल दीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। आपको सिंथेटिक फाइबर की मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा, क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके गुणधर्म क्या होते हैं सिंथेटिक फाइबर। पहले तो क्या होते हैं, ये ड्यूरेबल होते हैं, क्या होते हैं सस्ते और टिकाऊ होते हैं, ठीक है ड्यूरेबल होते हैं, और क्या होते हैं लेस एक्सपेंसिव होते हैं, कम खर्चीले होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं जल्दी से ड्राई अप हो जाते हैं, ठीक है ड्राई अप, और क्या होते हैं ठीक है रीडली अवेलेबल है, REDILY रीडली अवेलेबल, AVAILABLE अवेलेबल, ठीक है, और क्या है इजी टू मेंटेन, ठीक है इन्हें आराम से मेंटेन हम लोग कर सकते हैं, कोई ज्यादा महंगे नहीं है, ठीक है नॉट एक्सपेंसिव, ज्यादा खर्चीले नहीं है। तो क्या क्या है, ड्यूरेबल है, लेस एक्सपेंसिव, ड्राई जल्दी से सूख जाते हैं, ठीक है रीडली अवेलेबल है, इजी टू मेंटेन है, नॉट एक्सपेंसिव है, ठीक है ठीक है, और हाई लस्ट्रस होते हैं, LUSTUR यानी कि चमकदार होते हैं, ठीक है ये नॉट, ठीक है यानी कि अट्रैक्टेड, ARACET कोई कीट पतंगों को नहीं खींचते हैं, इंसेक्ट्स को नहीं पकड़ते हैं, ठीक है कि मौत यानी कीट पतंगे इंसेक्ट्स को आकर्षित नहीं करते हैं, ठीक है और इनका जो रेजिस्टेंस है क्रीज रेजिस्टेंस होता है, ठीक है जल्दी से आग भी नहीं पकड़ते हैं, ठीक है चलें आगे की तरफ बात करें प्लास्टिक की, ठीक है चलिए प्लास्टिक में चलते हैं, ये आपके हो गया हेडिंग डाल दीजिए प्लास्टिक थर्मोसेटिंग और थर्मो प्लास्टिक भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है चलिए जी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, पहले थर्मोप्लास्टिक क्या होता है हेडिंग डालिए थर्मोप्लास्टिक, ठीक है थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर माउल्ड किया जा सकता है, जिनकी शेप साइज चेंज की जा सकती है, थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं, ठीक है जैसे पॉलीथीन है, ठीक है यानी कि दोज प्लास्टिक्स ठीक है विच क्या लिखा दोज प्लास्टिक विच कैन रिमाउल्डेड MOULDED रिमाउल्डेड इजिली, जिन्हें आसानी से रिमाउल्डेड किया जा सकता है, ठीक है इन एनी साइज, ठीक है इन एनी साइज एंड शेप, ठीक है यानी कि दोज प्लास्टिक विच कैन रिमाउल्डेड इजिली इन एनी साइज एंड शेप, ठीक है कौन कौन से हैं जिन्हें कर सकते हैं हम, ठीक है एग्जाम्पल देखिए पॉलीथिन को हम कर सकते हैं, गरम किया कभी पॉलीथीन को पिघल जाती है और आप किसी भी सांचे में ढालोगे ढल जाएगी, ठीक है पॉलिस्टर है POLYSTER ठीक है ESTER पॉलिस्टर है, पॉलीथीन है, PVC है, ठीक है PVC भी हो जाता है, और क्या है पॉलीप्रोपिलीन है, पॉलीप्रोपिलीन है, ठीक है तो पॉली POLY प्रोपी PROPY प्रोपिलीन एक्सेट्रा, ठीक है तो PVC पॉलीथीन पॉलिस्टर, ठीक है चलें आगे बात करें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की, ठीक है हेडिंग डालें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है इन्हें आसानी से रिमाउंड नहीं कर सकते हैं, क्या इन्हें आसानी से रिमाउंड नहीं किया जा सकता है, ठीक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है, ठीक है यानी कि दोज प्लास्टिक्स विच कैन नॉट इजिली माउल्डेड MOULDED ठीक है इन एनी साइज एंड शेप, ठीक है यानी कि दोज प्लास्टिक विच कैन नॉट इजिली माउल्डेड इन एनी साइज एंड शेप, ठीक है एंड टेक ए शेप, एक शेप लेते हैं ओनली वंस, एक बार ही ये शेप लेते हैं, इन्हें दूसरी बार एंड नॉट मेल्टिंग अगेन इन्हें दोबारा पिघलाया नहीं जा सकता है, ठीक है ऐसे प्लास्टिक जिन्हें एक बार ही माउल्ड किया जा सकता है, दोबारा इन्हें रीशेप नहीं कर सकते हैं जो मेल्ट नहीं होते हैं, ठीक है एग्जाम्पल आ जाइए बेकेलाइट BAKELITE बेकेलाइट है कॉमा, ठीक है मेलेमाइन MELA
MIN, बेकेलाइट मेलेमाइन, ठीक है। बेकेलाइट का यूज करते हैं घर में, स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच जो आते हैं ना आपके फैन के स्विच जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने में, जैसे फैन के, ठीक है, और बल्ब के स्विच जो होते हैं, लाइट के सामान जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स बेकेलाइट के बनाए जाते हैं। मेलेमाइन की किचन वेयर फैब्रिक्स बनाने में, KITCHEN, किचन वेयर फैब्रिक बनाने में, ठीक है, जैसे रसोई में काम में आने वाले बर्तन, क्रॉकरीज बनाने में, ठीक है, यानी कि क्रॉ, CROKERIES, क्रॉकरीज बनाने में काम में लेते हैं, ठीक है, किचन वेयर है, फैब्रिक है, क्रॉकरीज है, ठीक है। चलें आगे की तरफ बात करें, ठीक है। अब आता है आपके 4R प्रिंसिपल, किसकी बात करेंगे अब, ये आपके खत्म हो जाता है, ठीक है, चलो आगे की तरफ चलते हैं। 4R प्रिंसिपल क्या क्या है, रिड्यूस रिसाइकल्स है, ठीक है, किस तरीके से रिसाइकलिंग की जाती है, ठीक है, तो 4R प्रिंसिपल क्या है आप लोगों के मैं बता देता हूँ, ठीक है, रिड्यूस है, ठीक है, रियूज है, रिसाइकल, रिकवर है, रिफ्यूज है, 5R प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। चलिए जी आगे, ठीक है, चलिए जी ये हो गया, इसके बाद रफ कर देते हैं राहुल सर, ठीक है, इसके बाद लिखिए आप, ठीक है, 5R प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, ठीक है, 5R प्रिंसिपल, PRINCIPLE, ठीक है, 5R प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 5R प्रिंसिपल एक तो है रिड्यूस, ठीक है, सबसे पहले हम रिड्यूस कर सकते हैं, प्लास्टिक का कम से कम यूज करना चाहिए, ठीक है, फिर हमें प्लास्टिक जैसे हम बेच देते हैं तो वो ले जाते हैं कंपनियों में जाता है, फिर ये दोबारा मार्केट में आते हैं, रिसाइकिल होकर के आते हैं, हम उनका यूज करते हैं, ठीक है, रिकवर, ठीक है, RECOVER, तो रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल है, रिकवर है एंड रिफ्यूज, ठीक है। अब रिड्यूस का मतलब हमें प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए, रीयूज हमें दोबारा प्लास्टिक मार्केट से लेते हैं तो उसका रीयूज करते हैं, रिसाइकिल कंपनियों में जाकर दोबारा वो काम में आता है, रिकवर हम दोबारा उसको रिकवर करके काम में लेते हैं, ठीक है। रिफ्यूज हमें कम से कम प्लास्टिक का यूज करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, प्लास्टिक जो होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, कैसा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब है इसका डीकम्पोजिशन जल्दी से पॉसिबल नहीं है, डीकम्पोजिशन मतलब इसका गलना, ठीक है, पानी में ये गल नहीं सकता, सड़ना, ठीक है, सड़ करके ये मिट नहीं सकता, तो इसका गड़ना सड़ना पॉसिबल नहीं है, डीकम्पोजिशन नॉट पॉसिबल, ठीक है, प्लास्टिक का, समझ में आ रहा है आपको, प्लास्टिक जो है नाली में फंस जाए तो हमें निकालना ही पड़ता है, यदि खा जाए गलती से तो इसका जो डाइजेशन भी पॉसिबल नहीं है, तो प्लास्टिक जो होता है यानी कि प्लास्टिक्स आर क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिनका डीकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है, सड़ गल नहीं सकते हैं, ठीक है, आसानी से इन्हें गलाया नहीं जा सकता है। ये चैप्टर आप लोगों के कंप्लीट होता है, यानी कि चैप्टर आप लोगों के 3 कंप्लीट, ठीक है, और चैप्टर जो 3 है आप लोगों के सिंथेटिक फाइबर, ये कंप्लीट होता है, इसके क्वेश्चन आंसर की PDF फाइल आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दी जाएगी, तो चैप्टर 3 कंप्लीट होता है, ठीक है। चलते हैं चैप्टर 4 की तरफ, और चैप्टर 4 आता है आपके चैप्टर 4 भी राहुल सर ने पढ़ा दिया है, चैप्टर 5 पे चलते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम, चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम, मैं यहां पर रफ कर देता हूं, ऊपर डाल देता हूं, चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है, यहां पर लिखिएगा चैप्टर 5, ठीक है, ये आपके 8th क्लास के लिए ही है, ठीक है, क्लास कंफ्यूज मत होना, चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोल क्या होता है, चैप्टर 5 पे हम चलते हैं, बात करते हैं कोयले और पेट्रोल की, तो आपको बता दूं मैं कि सबसे पहले आता है नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है, इन एग्जॉस्टिबल, ठीक है, सबसे पहले आता है इन एग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल, HAUSTIBLE, इन एग्जॉस्टिबल, ठीक है, और एक होता है एग्जॉस्टिबल, नीचे लिख रहे हैं राहुल सर एग्जॉस्टिबल, EXHAUSTIBLE, एक तो होता है इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेज, ठीक है, एक होता है एग्जॉस्टिबल नेचुरल
सोर्सेस, ठीक है, बात करें, ठीक है, इन एग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेस की बात करें,